शफकत महमूद ने ट्वीट किया है कि मुल्क में तमाम तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त ठीक ठाक खैर आफियत होंगे। तमाम तालीमी अदारों के हवाले से बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि तमाम तर तालीमी अदारों को दोबारा बंद करने का बड़ा फैसला शफकत महमूद की जानिब से कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वज़ीरे आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी आज एक बहुत ही बड़ा फैसला किया गया है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर से देख लेना है। तो चले फिर वीडियो की जानिब पर। तो उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सिंपल तरीका आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर देना। आने वाली जो भी नई वो लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंचता रहेगा। तो चले फिर वीडियो की जानिब बढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा फैसला ये किया गया, तमाम तर तालीमी अदारों को दोबारा ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही, इसी वजह से तमाम तालीमी अदारों को ओपन कर दिया गया था। लेकिन जो आपको स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप दिखाया गया होगा कि तमाम तालीमी अदारों को 5 अप्रैल तक बंद कर दिया है, ये सब की सब फेक खबरें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे। जो भी ऐसी खबरें फहरा रहे हैं, आपने क्या करना है कि उनकी वीडियो पे यकीन नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि तमाम तालीमी इदारों को ओपन कर दिया हुकूमत की जानिब से और ये सब की सब फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। तो आपने इस वीडियो पे यकीन नहीं करना है। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दो में जरूर से याद रखें।